आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले बहशी दरिंदे विष्णु प्रसाद को पुलिस ने खंडवा से गिरफ्तार कर लिया है। उसे मोर टक्का के पास से पकड़ा गया। इस दरिंदे पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था और अलग अलग 20 टीमें उसे पकड़ने के लिए जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दरिंदे के परिवार ने ही उसे पकड़वाने में मदद की है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और कहा कि 1 महीने में इस दरिंदे को सजा हो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के नेहरू नगर की मांडवा बस्ती में मासूम सिसकती रही, लेकिन वहशी भेड़िया विष्णु खुश था। उसकी दरिंदगी के सामने मासूम ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। उसके बाद रात के अंधेरे में उसे नाले के पास फेंक दिया। अब इस भेड़िए का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस उससे पूछताछ करती नजर आ रही है। ये दरिंदा विष्णु प्रसाद मूल रूप से खंडवा का रहने वाला है। बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद से ही इलाके के लोग गुस्से में हैं। यह चाहते हैं दरिंदे विष्णु को उन्हें सौंप दिया जाए। सुबह नेहरू नगर चौराहे पर बच्ची के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं कमला नगर थाने के बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले में हमेशा की तरह पुलिस का रवैया लापरवाह सामने आया। इस मामले में छोटे पुलिस वालों को दोषी बनाकर बड़े अफसरों ने खुद को बचा लिया। क्या नाम है तेरा? अपने पिता का नाम? कहाँ रहता था? आरोपी विष्णु प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद एएसपी अखिल पटेल ने बताया कि हमने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहता था। हमारी कोशिश होगी कि उसे महीने भर के भीतर सजा दिलवाएं, ताकि ऐसे अपराधों की रोकथाम में मदद मिल सके। उसके आरोपी को, विष्णु नामक आरोपी को भी मोटक्का खंडवा ओंकारेश्वर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी सारी आईडी की पहचान कर ली गई है। उसके साथ में उसके जो परिवारजन साथ में थे उन्होंने भी उसकी पहचान कर ली है। उसको हिरासत में ले लिया गया है। वहाँ से उसको यहाँ पर लाया जा रहा है भोपाल में। और जैसा कि कल डीजी साहब ने, आईजी साहब ने और डीआईजी साहब ने निर्देश दिया, इसको जल्द से जल्द चालान पेश कर, कोशिश करके 48 घंटे के अंदर चालान पेश कर, 1 महीने के अंदर इसको जो भी सजा न्यायालय देगा 1 महीने के अंदर वो सजा उसको मिल जाए, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और हमारी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सबसे रिक्वेस्ट करके और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके हम लोग जल्दी से जल्दी हमारा चालान पेश करके ये प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द। इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में पुलिस इस केस का चालान कोर्ट में पेश कर देगी। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि पीड़ित बच्ची के परिजनों को सरकार ने तत्काल 5,00,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं लापरवाही बरतने वाले 7 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। कल जो नेहरू नगर मांडवा बस्ती में जो एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो एक दरिंदे ने बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। एक तो वो ओंकारेश्वर में पुलिस ने ट्रैप करके उसको पकड़ लिया है, उसको भोपाल लाया जा रहा है। दूसरा, कल वहाँ आदरणीय राज साहब दिग्विजय सिंह जी वहाँ पर थे और कहा था कि इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो मुख्यमंत्री जी ने 5,00,000 की आर्थिक सहायता उसके परिवार को देने की घोषणा कर दी है, जो उसको 24 घंटे के अंदर वो राशि उसको मिल जाएगी। दूसरा, उन्होंने ये कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि 48 घंटे के अंदर इसका चालान पेश कर दिया जाएगा और 30 दिन में इसका निर्णय हो, ऐसी पहल की जाएगी न्यायालय से। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। और 7 जो पुलिसकर्मी थे, कल ही उनको पुलिस प्रशासन ने, डीजीपी ने सस्पेंड कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर जितने फास्ट ट्रैक पे सब चीज़ें हुई हैं और जिसकी वजह से कातिल भी पकड़ा गया है, ये निश्चित तौर पर
एक पुलिस ने बाद में जो पहल करके ठोस कदम उठाए उसका ये नतीजा है। इस मामले में भाजपा प्रदेश सरकार को घेर रही है। खुद पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में पुलिस अफसरों के तबादलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि थोक बंद अफसरों के तबादले हो रहे हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था के हालत बिगड़ रहे हैं। शिवराज पीड़ित परिवार को सांत्वना देने मांडवा बस्ती पहुंचे। इस पर पलटवार करते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा को आरोप लगाने का हक नहीं बनता है, क्योंकि उनकी सरकार के वक्त भोपाल में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। और मैं सरकार से मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, सारी यादें पार हो गई है, केवल भोपाल में घटना नहीं, उज्जैन में बेटी के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई, छतरपुर में दुष्कर्म किया गया, नौगांव की खबर मेरे पास आई, बेटी के साथ छेड़छाड़ होती रही और बाद में वो जिंदा जल गई मिट्टी का तेल डाल, सतना में, चित्रकूट में, एक नहीं अनेकों घटनाएं घटनाओं की सीरीज बन गई और सरकार आके हाथ पे हाथ धरे बैठी है और ये सहन करने के लायक नहीं है। सड़कों पर लड़ाई के दिन आ गए, सरकार स्थिति संभाले, रोज ट्रांसफर अराजकता मचा दी, प्रशासन का मनोबल भी तोड़ के फेंक दिया गया, सरकार चेते नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आपने खबर देखी, बेहद दिल दहला देने वाली खबर। भोपाल की छोटी बच्ची के साथ रेप किया और रेप करके उसको मारकर घर के पास ही नाले में फेंक गए। हमारे साथ अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अखिलेश जी, रेप किया, मार कर डाल दिया, उसके बाद सरकार ने कहा कि 30 दिन में सजा हो जाएगी, 5 लाख की सहायता दे देंगे, ये सब पर्याप्त है? मैडम, जिस किसके के साथ, जिस किसी परिवार के साथ ये घटना घटी है और जो विक्टिम थी चली गई, उसके साथ उसको आर्थिक सहायता देने से ना तो वापस आएगी और ना ही समाज में ऐसा क्रूर अपराध में कमी आएगी। सबसे पहले त्वरित कार्रवाई की इसमें आवश्यकता है। शासन प्रशासन 5 लाख की सहायता देके और 30 दिन में चालान पेश करके अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है, ये उनकी एक बड़ी नाकामी है। जिस समय पीड़िता के परिवार के लोग उनके घर पर गए, घर के लोग जब पुलिस थाने में गए और अपनी गुहार लेके गए, तब उनके द्वारा कोई त्वरित कदम नहीं उठाया गया। वकील साहब, 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करने की बात सरकार ने कही थी और जिसमें भी वो 7 से 8 टीमें बनाकर खोज रहे हैं, आरोपियों को कही गई बात थी, लेकिन पता चला कि परिवार के लोगों ने ही बताया कि यहाँ पर छुपा हुआ है और ले जाइए, तब कहीं जाके पुलिस आरोपी को पकड़ पाई और अपनी पीठ थपथपा रही है। यही बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप मैडम। आप अगर इसमें देखेंगी कि पूरी घटना को आप देखें, पुलिस कह रही है हमने 7 टीमें बनाई, एक हमने उज्जैन भेजी, एक हमने खंडवा भेजी, जबकि इसकी गिरफ्तारी खंडवा के पास की कहीं गांव से हुई है, ये आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पुलिस ने जाके गिरफ्तार नहीं किया है, इसको जो है परिवार वालों ने पुलिस को सौंपा है। तो आप ये यहाँ पर भी देखें कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उस आदमी को पुलिस पकड़ने में और त्वरित पकड़ने में नाकामयाब रही, जबकि शहर में हजारों सर्विलेंस के लिए कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आरोपी कब निकल के कहां से चला गया, ये चीज़ अपने आप में बड़े चिंता की विषय है। आप इस चीज़ को मानेंगे कि पुलिस हमेशा कटघरे में खड़ी होती है, हमेशा अपने नीचे वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, अधिकारी नीचे वालों को सस्पेंड करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, कहानी को आगे बढ़ा देते हैं, और होता ये है कि जब भी पीड़ित परिवार या पीड़िता थाने जाती है तो उसको टालने का पहला काम किया जाता है, उस वक्त क्यों नहीं पुलिस मुस्तैदी से काम करती? पुलिस मुस्तैदी से काम करे मैडम तो आधी समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाए देश की। अगर पुलिस इतनी मुस्तैद हो तो कई चीज़ें जो है ना हो ही नहीं पाए। घटना घटने के पहले ही आप देखें, कोई अपनी पुलिस कम नहीं है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक इच्छा शक्ति की कमी है कि हमें बस नहीं करना है, इनको जाने दो, अपने आप मिल जाएगी। अब वो भगवान के भरोसे थोड़ी चलता सब चीज़ें, भगवान भी जो है अपना काम किसी ना किसी के माध्यम से करवाता है, तो माध्यम तो बनना पड़ेगा। तुरंत कार्रवाई बहुत आवश्यक है इसमें। कहीं ना कहीं देखने में आया है कि भोपाल की ही अगर हम सिर्फ बात करें तो चाहे वो हबीबगंज पे हुआ बच्ची के साथ गैंगरेप हो या अभी वाला केस हो, दोनों ही केसों में पुलिस की नाकामयाबी साफ नजर आई, और पुलिस ने अगर सही समय पे सही कदम उठाया होता तो आरोपी पकड़ा जाता, बच्ची भी शायद जिंदा मिल जाती। बिल्कुल सही है, जहाँ जिस मोहल्ले की ये घटना है उस मोहल्ले की
पूरी अगर घरों की तलाशी ना संभव नहीं थी तो आसपास के घरों की तलाशी संभव थी। आप एक कम से कम क्राइटेरिया तो बनाते कि कौन लोग इस टाइप के कर सकते हैं, नशे के आदि कौन है, रात में कौन ज़्यादा नशा करते हैं, कौन कमारे हैं, मतलब सेक्सुअल की जिनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले आप उनको पकड़ते। ये काम केस होने के पहले ही सब पकड़ जाते, वो बच्ची आज जिंदा होती। बड़े शर्म की बात है ये कि पुलिस का रवैया जो है इतना इसमें खराब रहा और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। सस्पेंशन क्या होता है 6 पुलिसकर्मियों का? इनने इस काम को करने के लिए उस व्यक्ति को पूरा समय दिया इनके ऊपर, तो साथ में जो है ना पूरी ये इस मुकदमे की ट्रायल 6 पुलिसकर्मियों के ऊपर भी चलनी चाहिए। ये अखिलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो है सुधार होगा। पुलिस ने पूरा समय दिया अपराधी को अपराध करने का, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब 30 दिन की बात की जा रही है कि 30 दिन में फैसला आ जाएगा और सजा हो जाएगी। 30 दिन में क्या वाकई में फांसी पे लटकाने में कामयाब होगी सरकार? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। 30 दिन में हमारे यहाँ की कोर्ट फैसला जरूर दे देगी, 30 दिन के पहले ही दे देगी, क्योंकि यहाँ की कोर्टें बहुत त्वरित कोर्टें हैं और प्रोसिक्यूशन को जब जो है चालान जैसे ही पेश होगा वैसे ही इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और पुलिस कह रही है 2 दिन में चालान पेश, देखते हैं 2 दिन में चालान पेश। अब घटना चूंकि राजधानी की है और ऐसी गर्म घटना है और इतनी निंदनीय अपराध है और घृणित अपराध है, तो इसका चालान 2 दिन में पेश हो जाना चाहिए। और 2 दिन की भी इसमें कहाँ आवश्यकता है, सारे प्रूफ उनके पास हैं, सारी चीज़ें एविडेंस उनके पास हैं और जो चीज़ें हो सकती हैं वो बाद में भी पेश हो जाएंगी। कई रिपोर्टें जो आती हैं वो चालान के बाद भी लग जाएंगी, लेकिन इसमें 30 दिन के अंदर फैसला आने के बाद फिर हाईकोर्ट में अपील का समय है, हाईकोर्ट की सुनवाई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फुल बेंच है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना है। बिल्कुल, और या कहीं ना कहीं उस बच्ची उस परिवार की आवाज इस लंबी प्रोसेस में दब जाती है। पहले निचली अदालत, निचली अदालत से जैसे तैसे वो बाहर आए सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास मर्सी के लिए। किस चीज की मर्सी? ऐसे अपराधियों को कोई मर्सी होनी नहीं चाहिए। दरअसल मर्सी अपील ठीक है, एक प्रक्रिया में है, लेकिन मर्सी अपील वहाँ जाने के साथ ही स्वीकार नहीं होनी चाहिए। उसे उसकी प्रथम स्टेज पर ही निपटारा कर देना चाहिए, उसको रख के और सालों बाद उस पर फैसला लाना उस परिवार के साथ भी जो है इनजस्टिस है। अगर आपको वास्तव में उसे न्याय देना है तो तुरंत न्याय देना है। फांसी देनी है तो 30 दिन में यहाँ फैसला हुआ, अगले 30 दिन में बाकी कार्रवाइयाँ पूरी हो जानी चाहिए। आपको खुद एक वकील होने के नाते लगता है कि कानून में थोड़ा बदलाव, पुलिस के रवैये में थोड़ा बदलाव होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे पीड़िता को तो न्याय मिले ही साथ में अपराधियों के दिल में खौफ बने। ऐसे मामलों में जहाँ स्पेशल एक्ट्स हैं, 14 साल तक की बच्ची के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, स्पेशल कोर्ट्स हैं, महिला जजों के द्वारा सुनवाई है, ऐसी स्थिति में स्पेशल पुलिस का भी गठन होना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए महिला थाना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एट्रोसिटी का है, और बाकी जो अलग अलग विषयों पर पुलिस ने अलग अलग अपने ही दल में से अलग अलग विंग्स कर रखे हैं, एसटीएफ एक विंग है, ऐसे ही इस अपराध के लिए बच्चियों के साथ घृणित बलात्कार और मृत्यु जैसे अपराध के लिए इनके लिए एक अलग से सेल होनी चाहिए, और जो केवल इसी का ही काम करे। और काम इस पर विवेचना का नहीं है, काम इन अपराधों को रोकना है। जहाँ ये अपराध घटित हुए हैं उन अपराधों को आगे इनकी पुनरावृत्ति ना हो पाए, और कहीं से कोई भी शिकायत आती है तो उसकी तुरंत कार्रवाई के लिए उनकी जिम्मेदारी तय हो और वो काम तुरंत से तुरंत हो सके, तभी ये घटनाएं जो है आने वाले समय में रुक पाएंगी। बिल्कुल, आज एक डिमांड दखल न्यूज़ के चैनल से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने उठाई है कि जो बच्चियों के संग अपराध होते हैं, जो महिलाओं के संग ऐसे सेक्सुअल अपराध हो जाते हैं, उनके लिए एक अलग थाना होना चाहिए। खैर, लीगल मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिलेश श्रीवास्तव जी हर वक्त जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।